पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार एसटी हसन द्वारा फिर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मुरादाबाद की राजनीति गर्मा दी है। चुनावी समर अपने चरम पर है। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की जनसभाओं का सिलसिला जारी है। वहीं मुरादाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार एसटी हसन पहले दिन से ही चर्चाओं में बने हुए हैं। कल उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या भी खासी थी। इस रैली में जुटी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में दर्जनों महिला अपने हाथ में एक पर्ची लिए हुए नजर आ रही हैं और उक्त वीडियो में ये महिलाएं कहती हुई साफ नजर आ रही हैं उन्हें भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया था और इन पर्चियों को दिखाकर 300-300 रुपए मिलने हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो ने गठबंधन उम्मीदवार एसटी हसन की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल गठबंधन उम्मीदवार इससे पहले भी इसी तरह के मामले में सुर्खियां बटोर चुके हैं। एसटी हसन द्वारा नॉमिनेशन के दौरान भी पैसे के बदले भीड़ एक मामले सामने आया था, जिसमें भी महिलाओं ने कलेक्टर परिषद में कई दर्जन महिलाओं ने खासा हंगामा किया था, जो मीडिया ने प्राथमिकता के आधार पर खबर भी प्रसारित की थी। अब देखना है आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले प्रत्याशी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कितने लोग, कितनी महिला आए थी वहाँ से? तो किसी पैसे नहीं दो? उन्होंने क्या कहा? तुम पैसे तो वहीं जाकर मिलेंगे? ये कह रही हैं हम देंगे, तुम्हें कचहरी से पैसे लेकर आना हमसे। आप कह रही हैं आप क्या बताओ? कहाँ, किसके लिए आए थे? बता दे, बता बता दे, क्या क्या लेके आए आपको? 300 रुपए लेडीज मिलेगी। अच्छा, 300 रुपए देंगे हर लेडीज। रात को क्या मिल जाएगा? अच्छा, हम तो अभी लेके जाएंगे। कितनी, आप कितनी महिलाओं को लेकर आई थी? 50-55 जी, 50-55 अच्छा ये भी है उसमें। हाथ 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 मत करो आगे।